How to start your export import business in India? 12 easy simple methods step by step आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में। क्या वो 12 तरीके हैं जिस तरीके से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लेते हैं कि जब आपको यहां पे कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है डॉक्यूमेंटेशन एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन। तो पहले आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। टोटल 5 टाइप की कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है इंडिया में, भारत में। जैसे अगर आप बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं या हाउसवाइफ है, बिल्कुल इनिशियल स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी से चालू कर सकते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी, बस उसका कुछ लिमिटेशन होती है कि उस पर जो लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, वो लाइबिलिटी आपको लिमिटेड नहीं मिलती है। यानी अगर कंपनी में कोई लॉस भी होता है तो आपके पर्सनल एसेट से भी रिकवर किया जा सकता है। तो लाइबिलिटी आपको लिमिटेड चाहिए तो आपको जो और अदर 4 टाइप की कंपनी है उनमें आपको आना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या 1% कंपनी, या फिर ज्वाइंट वेंचर कंपनी। इस तरीके की जो 4 अलग अलग टाइप की कंपनी लीगल स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो एक अलग ट्रस्ट भी उसका इंप्रूव होता है जब बायर के माइंड में रहता है। जब आप लिखते हैं ना RS ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो एक अलग ही इंप्रेशन आता है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी से भी आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए कि प्राइवेट लिमिटेड में आपको आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 साल के बाद, नहीं तो 5 साल के बाद आपको जाना ही जाना है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको करानी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, 50,000 रुपए का सारा खर्चा आ जाता है, टोटल डॉक्यूमेंटेशन और एवरीथिंग। GST आपको रजिस्ट्रेशन करना है, AD कोड लेना है, AD कोड मतलब ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड। और GST भी देखिए, GST भी बिल्कुल फ्री होता है, किसी किसी स्टेट में थोड़ा बहुत कुछ अंडर टेबल करना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी GST बिल्कुल फ्री है। हमसे कंसल्ट करिए, हम भी सारे डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, सारा कुछ आप हम सर्विस हमसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको AD कोड रजिस्ट्रेशन करना है, AD कोड ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड, ये आपको बैंक से मिलेगा। कौन से बैंक में करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए इसके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो अगर आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो AD कोड आपको बैंक में ओपन कराना, बैंक में एक पेज का, सिंगल पेज का AD कोड रहता है, ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड। जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई भी जाती है, प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाया जाता है, उसका लाइव फोटो वीडियो वगैरह भी आपको दिखाई जाती है। सो बेसिकली AD कोड रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए भी हम अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर नीड टू बी कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग योर प्रोडक्ट। यानी आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का मतलब होता है ऐसा कि जैसे आपने 10th कर लिया और इसके बाद आप 11th या 12th आगे जाना चाहते हैं, तो आपको एक डायरेक्शन चूज करनी, एक लाइन चूज करनी कि आपको मेडिकल सेक्टर में जाना या इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना या आर्ट सेक्टर में जाना, किस साइड में जाना है, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, ये अलग तरीके से पाथ भी होता है ना कि किस तरीके से आपको किधर करियर अपना बनाना है। तो ऐसा ही प्रोडक्ट का भी है कि प्रोडक्ट अगर एक बार आप फ्रूट में, वेजिटेबल में घुस गए, फिर दूसरा प्रोडक्ट आप चूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बेटर है कि स्टार्टिंग में ही आप कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, तो उसमें आपको वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है जो हम अपने ट्रेनिंग में सिखाते हैं, सारी वो बातें आपको ध्यान रखनी है और तब जाके वो प्रोडक्ट आप चूज करो। क्योंकि काफी लंबा मेहनत करने से बाद, काफी लंबा टाइम देने के बाद फिर प्रोडक्ट चेंज करना, हाँ आप अपने पोर्टफोलियो में नया प्रोडक्ट ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को कंप्लीटली चेंज करना एक वाइज डिसीजन नहीं होता है, फिर उसको आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है एज पर माय एक्सपीरियंस। आप अपना नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड जरूर करिए, लेकिन उस प्रोडक्ट को काम करते रहिए, क्योंकि उसमें आपने समय दिया, आपकी नॉलेज दी है, आपका टाइम दिया, आपने काफी इन्वेस्ट किया उसमें, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका रहा होगा। अगर बिल्कुल थका हुआ प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया तभी जाके आपको चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट आपको RCMC लेना है। जब आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया तो कौन सा RCMC आपको लेना है, यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो गवर्नमेंट ने टोटल 33 EPCs बनाई हुई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन सा RCMC लगेगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप किसी भी RCMC, किसी भी EPC को फोन करिए, किसी भी EPC से आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं।
आरसीएमसी आपने ले लिया, फिर आपको बायर फाइंड करना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने है, उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे बना लिए हमने, कंपनी स्ट्रक्चर वगैरह सारा हमारा रेडी हो गया, वेबसाइट हमारा रेडी हो गया, अभी हमें बायर फाइंड करना है। तो बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स ट्रेनिंग में आपको सिखाए जाते हैं वो सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए और फिर आपका बायर फाइंड हो जाता है। फिर आपको बायर को वेरीफाई करना है, इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, वो आइडेंटिफिकेशन वाली जो ट्रिक्स आपको ट्रेनिंग में सिखा रखी है वो सारी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दीजिए कि कैसे बायर को वेरीफाई करना है। उसके बाद बायर को आपको कन्विंस करना है, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि मैं आपसे क्यों खरीदूं, क्या आपके प्रोडक्ट की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप टाइम पे डिलीवरी करते हैं, आपका यूएसपी क्या है, बेसिकली जो आपके ट्रेनिंग में सारे यूएसपी रेडी कराया जाता है, तो ये लर्नेबल स्किल है, इसको लर्न करके आप आगे बढ़ सकते हैं। 9th नंबर पे आपको सैंपल भेजना है, बायर फाइंड कर लिया, बायर को वेरीफाई भी कर लिया कि पार्टी जेन्युइन है, और फिर आपको आपने उसको कन्विंस भी कर लिया अच्छे रेट पे देने के लिए भी, फिर आपने उसको सैंपल भेजना है कि सैंपल आप कैसे भेज सकते हैं, कोचिंग के थ्रू सैंपल भेज सकते हैं, वो ट्रेनिंग में पूरा आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाता है। सो फिर उसके बाद 10 नंबर पॉइंट में आता है कि सैंपल को गेट योर सैंपल अप्रूव्ड, यानी सैंपल अच्छी क्वालिटी का भेजिए, प्रोडक्ट तो आपका अच्छी क्वालिटी का है ही, फिर आपको अच्छी पैकेजिंग करके सैंपल भी अच्छी क्वालिटी का आपको भेजना है। जब सैंपल आपके बायर के पास पहुंचेगा तो बायर उसको देखेगा, ओपन करेगा और उसको यूज करेगा तो उसको अच्छा लगेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो आपके सैंपल को अप्रूव कर देगा कि सर हमारी कंपनी में ये सैंपल आपका अप्रूव हो चुका है और आप हमें शिपमेंट कर सकते हैं। तो जब वो शिपमेंट करने के लिए आपको बोले तब आप उसके पेमेंट की बात करो कि पेमेंट आपको दे दे, तो वो पेमेंट भी आपको एडवांस दे देता है। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में तो एडवांस पैसा पूरा नहीं मिलता है, खासकर से दुबई में तो कमीशन बेस पे काम होता है, बाकी सारी सभी कंट्री में एडवांस पेमेंट होता है। आप चाइना से मुझे $5 का कोई प्रोडक्ट उधार ला के दिखा दो, नहीं ला सकते उधार, नो क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट देना ही नहीं, उधार देना ही नहीं, तो आप लोग क्यों उधार देते हैं, आप लोगों को भी उधार देना नहीं है, 100% एडवांस में काम करना है या 50% एडवांस और 50% एलसी, बस यही पेमेंट टर्म अपनी पॉलिसी बना के रखनी है सर, यही हमारी कंपनी की पॉलिसी है। जब आप स्ट्रिक्ट रहते हैं तो सामने वाला बंदा भी थोड़ा सा समझता है, देखता है कि भैया चलो ठीक है 50% तो कम से कम हम एडवांस दे ही रहे हैं, 50% हम एलसी कर लेते हैं, ये तरीका थोड़ा सा मुझे भी जायज लगता है और ये कर लेना चाहिए। फिर जब आपके पास पेमेंट आ जाए फिर उसका कर दीजिए बीआरसी, जो कि होता है आजकल ईबीआरसी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, बैंक है, बैंक से बनता है, 1000 रुपए 1500 रुपए तक भी बैंक चार्ज करती है, लेकिन घबराइए मत, कुछ कुछ बैंक ऐसे जो कि आजकल आरसीएमसी यानी ईबीआरसी आपको फ्री में भी देने लगे हैं, तो ऐसे बैंक को ढूंढिए या फिर बैंक के साथ निगोशिएट करिए कि सर कोटक महिंद्रा तो बीआरसी जो है फ्री में दे रहा है, ईबीआरसी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, तो उसके साथ आप निगोशिएट करिए और उनसे भी देखिए कि किस तरीके से आप अपने पैसे को कम कर सकते हैं, और ये छोटी छोटी सेविंग्स होती है जो हमें अपने बिजनेस में करनी रहती है, क्योंकि खर्चे तो बिजनेस में होते ही होते हैं, खर्चे तो कम नहीं हो रहे, कम से कम ये जो सेविंग्स है सेविंग्स को हमें बढ़ाना है और जिससे हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आप काम करते रहिए, ये 12 मेथड जो 12 स्टेप्स से बताए मैंने ये सारे इंप्लीमेंट करिए और ग्रो करिए और भारत का हिंदुस्तान का भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर, थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपका आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप, देन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।